वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम, वो है एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स, आप समझ ही गए होंगे। हमारे पूरे बॉडी का जितने भी हार्मोन सिंथेसिस होते हैं वो सब इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मदद से होते हैं। और इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स के मिलने से बनता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है उसके नेम से हम पता करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हार्मोन एक इम्पॉर्टेंट सोल पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम के, और इसी के ट्रांसफर पर पूरा एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शन करता है। तो स्टूडेंट्स, तीन टाइप के हार्मोन ट्रांसफर सिस्टम होते हैं। सबसे पहला है ऑटोक्राइन सिस्टम, पैराक्राइन और लास्ट है हमारा एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन और पैराक्राइन सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स? ऑटोक्राइन यानी एक सेल्फ सेल है, यानी एक सेल है वो सेल्फ को ही सिग्नल दे रहा है, यानी यहाँ से हार्मोन रिलीज हुआ ये रिसेप्टर से और दूसरे पार्ट पर यहाँ पर रिसीव हुआ, तो इसे कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। और जब यहाँ पर कोई दूसरा सेल प्रेजेंट है और वो दूसरा सेल रिसीवर बन गया तो ये होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो ये दो टाइप की सिग्नलिंग है, पर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम एक बड़ा सिस्टम है। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग कैसी होगी स्टूडेंट्स? एंडोक्राइन सिग्नलिंग होती है हमारे ब्लड के थ्रू, यानी हमारे ब्लड के अंदर यहाँ पर कोई ग्लैंड है, उसने यहाँ पर हार्मोन सीक्रेट किया, वो हार्मोन यहाँ से ब्लड से गया और फिर जहाँ पर उसका एक्शन है वो वहाँ पर एक्ट किया। तो स्टूडेंट, ये इतने लंबे ट्रैवलिंग सिस्टम को ब्लड के अंदर जब हार्मोन ट्रैवल करता है तो इस तरह के सिस्टम को कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग देता है, यानी हार्मोन। और हमारे हार्मोन्स क्या है? ये एक सिग्नल ये तो है, यानी कि हमारे ब्रेन का सिग्नल हमारी किडनी तक कैसे पहुंचेगा ब्लड के थ्रू, और ब्लड के अंदर क्या ट्रेवल करेंगे हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स कहाँ जाएंगे? परफेक्टली रिसेप्टर पर जाएंगे, जो उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा वहां पर जाकर बाइंड करेंगे। तो इस ब्यूटीफुल डायग्राम की मदद से चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और कैसे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों साथ साथ जुड़े होते हैं स्टूडेंट्स, यानी ये कैप हाइपोथैलेमस है तो ये नीचे पिट्यूटरी है, दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस का क्या काम है? हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है और पिट्यूटरी उसे रिसीव कर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है। तो स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी को तो हम मास्टर ग्लैंड मानते हैं क्योंकि वो हमारे पूरे बॉडी की फंक्शनिंग करता है और पूरे बॉडी के हर ग्लैंड की फंक्शनिंग कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी के सिग्नल के बिना कोई ग्लैंड एक सिंगल हार्मोन भी नहीं बनाता। तो स्टूडेंट्स, पर पिट्यूटरी का भी एक बड़ा भाई है, वो है हाइपोथैलेमस, और मास्टर ग्लैंड का भी एक मास्टर है, वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है स्टूडेंट्स? वो रिलीजिंग हार्मोन्स बनाता है। और ये रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करते हैं? जैसे कि हो गया हमारा TRH थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, GnGRH ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ये सब क्या करते हैं? ये जाकर सब हमारे पिट्यूटरी पर एक्शन करते हैं और पिट्यूटरी पर जाकर ये बन जाते हैं TSH GSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आप इधर ही डिफरेंशिएट समझ गए होंगे कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन बनाता है और पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? जैसे कि TSH, FSH, LH, GH, ये सब है हमारे थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ACTH, बहुत सारे हार्मोन हमारा पिट्यूटरी सीक्रेट करता है। और यही हार्मोन्स जो नीचे के हमारे बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड से उन पर एक्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप थायरॉयड ग्लैंड देख रहे होंगे, और थायरॉयड ग्लैंड का क्या फंक्शन है स्टूडेंट? थायरॉयड ग्लैंड बनाते हैं हमारा थायरॉयड हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाता है स्टूडेंट? थायरॉयड हार्मोन। और थायरॉयड हार्मोन किसके अंदर आता है? थायरॉयड हार्मोन मेटाबॉलिज्म के अंदर प्ले करता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल, फैट मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, लिपिड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, और हमारे बॉडी के मस्कुलर ग्रोथ में, स्केलेटल ग्रोथ में, सब के अंदर थायरॉयड का काम आता है। अगर थायरॉयड हार्मोन प्रॉपर फंक्शन ना करे
तो हमारी बॉडी की ग्रोथ स्टंटेड रहेगी, हम प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। और थायराइड के दो टाइप होते हैं, एक होता है T3 और दूसरा है T4। और पैराथायरॉयड एक ग्लैंड है जो थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, ये तो वेंट्रल साइड है, इसके पीछे प्रेजेंट होता है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड, और वो भी कई इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। और फिर तीसरा हमारा है थाइमस। थाइमस बनाता है हमारी टी सेल। जैसे हम नीचे आएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारा लीवर। आप सोच रहे होंगे लीवर का क्या फंक्शन है, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस देता है, तो इसका और क्या फंक्शन हो सकता है? तो और ग्लाइकोजन, यानी लीवर हमारा एक ग्लाइकोजन का स्टोर हाउस होता है, और जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है तो लीवर उसका मेटाबॉलिज्म करके हमारे बॉडी में ग्लूकोज सिंथेसिस करता है, इसलिए लीवर भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर। और स्टूडेंट्स फिर आता है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और हम सब ने पढ़ा होगा कि पैनक्रियास इंसुलिन सीक्रेट करता है जो एक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में काम आती है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रखती है। पैनक्रियास बना होता है लैंगरहंस सेल से, और तीन तरह के लैंगरहंस सेल्स होते हैं पैनक्रियास के अंदर, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो स्टूडेंट्स ये तीन सेल्स तीन हार्मोन बनाते हैं। जो अल्फा सेल है हमारे पैनक्रियास की, वो बनाते हैं ग्लूकागॉन। जो बीटा सेल है वो बनाते हैं इंसुलिन। और जो डेल्टा सेल है स्टूडेंट्स, वो बनाते हैं सोमैटोस्टैनिन। सोमैटोस्टैनिन। तो स्टूडेंट्स ये तीन हार्मोन अपना अपना रोल बखूबी करते हैं। ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी तब ग्लूकागॉन रिलीज होता है। और ग्लूकागॉन क्या करता है? लीवर पर जाकर एक्ट करता है, लीवर के सेल्स को कहता है अरे भाई तुमने इतने सारे ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा है, उसे मेटाबोलाइज करो और ग्लूकोज दो। फिर लीवर उसे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और इंसुलिन क्या करता है? जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो उसे कन्वर्ट करता है, उसे मेटाबोलाइज करता है और उसे ब्रेक कर एनर्जी बनाता है, या नहीं तो फिर उसे लीवर के पास देता है, लीवर उसका वापस से ग्लाइकोजन बनाता है। और स्टूडेंट्स फिर आता है सोमैटोस्टैनिन, वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अंदर। फिर जैसे हम और नीचे जाते हैं वहां पर आता है हमारा एक ऑर्गन किडनी, और किडनी के अंदर हमें पता है कि वो क्या बनाता है, इरिथ्रोपोएटिन बनाता है और रेनिन बनाता है। इरिथ्रोपोएटिन आता है हमारे RBC फॉर्मेशन, यानी ब्लड रेड ब्लड फॉर्मेशन में। उसके ऊपर भी एक ग्लैंड होता है, वो है एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है स्टूडेंट्स, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाता है। एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो है अल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल जिसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं, और तीसरा है DHEA। DHEA यानी डाइहाइड्रोक्सी एपी एंड्रोस्टियोन, जिसे हम एंड्रोजेन भी कहते हैं। तो ये तीनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड से, और एड्रिनल ग्लैंड से जो एल्डोस्टेरोन है स्टूडेंट्स, वही हमें एड्रिनल हार्मोन है, जो कॉर्टिसोल का दूसरा नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। यानी जब हमारी बॉडी स्ट्रेस के अंदर होती है तो ये ग्लूकोज का सिंथेसिस बढ़ा देता है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा देता है। और जो DHE है, डाइहाइड्रोक्सी एपी एंड्रोस्टियोन है, वो स्टूडेंट्स हमारे गोनाड्स फॉर्मेशन में, गोनाड्स के जो हार्मोन्स होते हैं उसके फॉर्मेशन में, उनके सिंथेसिस में काम आता है। और ये सब क्या है स्टूडेंट? ये सब स्टेरॉइड हार्मोन है जिनका प्रीकर्सर कोलेस्ट्रॉल है, ये आपको ध्यान रखना है। और गोनाड्स क्या है स्टूडेंट्स? ओवरी और टेस्टिस है। तो स्टूडेंट्स ओवरी हमारे दो हार्मोन सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्यूबर्टी के अंदर, फीमेल कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंदर, और ये हमारे यूटरस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करते हैं और मेंसुरेशन में काम आते हैं। और टेस्टिस बनाती है हमारी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो फीमेल कैरेक्टर डेवलपमेंट में मदद करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर हमने
हाइपोथैलेमस से लेकर तो टेस्टिस तक देखा और इनके फंक्शन देखे, ये कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, सिंथेसिस कैसा करते हैं, उसका फंक्शन क्या है और एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।